Brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. अगर प्रहलाद जी गुंजल साहब अगर कोटा से सांसद बन के आते हैं तो ये तय है कि प्रहलाद जी गुंजल के सांसद बनने के बाद में नरेश मीणा के लिए भी भाड़ोती में नरेश मीणा भी अपने आप को मजबूत महसूस करेगा। लेकिन दिक्कत ये होती है जब जैसे मैं आगरा रोड पे उतरता हूँ, जैसे मैं दौसा की तरफ अपना मुंह करता हूँ, यहाँ के जो नेता बैठे हैं, जो कुंडली बना के बैठे हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उनको चिंताएं, उनकी चिंताएं बढ़ जाती है, उनके तरफ पर चिंताओं की लकीरें बढ़ जाती है। आपको क्या लग रहा है कि दौसा में इस वक्त क्या माहौल है? कन्हैया लाल मीणा, उनका भी राजनीतिक करियर काफी लंबा रहा है, मुरारी लाल मीणा के पास भी बहुत अनुभव है। मीणा वर्सेस मीणा, मीणा समाज किसके साथ होगा? तो ये कहूंगा कि कांग्रेस को वोट दें और मेरी इच्छा है मैं हाड़ोती में जाके अपनी राजनीति करूं, क्योंकि मेरा भविष्य मुझे हाड़ोती में नजर आता है राजनीतिक तौर पर। ऐसे में मैं कोटा की जो सीट है जहां से प्रहलाद जी गुंजल साहब चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पर जाकर आदरणीय प्रहलाद जी गुंजल साहब का प्रचार प्रसार करूंगा और पूरी मेहनत करूंगा, जी जान से मेहनत करूंगा। और आपके चैनल के माध्यम से, इस लाइव के माध्यम से भी मैं मेरे चाहने वाले लोगों से कहना चाहता हूं कोटा और बूंदी में कि आप सब लोग अपने अपने बूथों को संभाल के पूरी ताकत के साथ अपने अपने बूथों को जिताकर और गुंजल साहब को मजबूत करें, गुंजल साहब को चुनाव जिताएं। अगर प्रहलाद जी गुंजल साहब अगर कोटा से सांसद बन के आते हैं तो ये तय है कि प्रहलाद जी गुंजल के सांसद बनने के बाद में नरेश मीणा के लिए भी भाड़ोती में नरेश मीणा भी अपने आप को मजबूत महसूस करेगा। नरेश मीणा को बड़ा समर्थन, जो गुंजल साहब का समर्थक है, बड़ी संख्या में गुंजल साहब के समर्थक है, वही मेरे समर्थक बड़ी संख्या में हमें चाहने वाले लोग हैं। अगर हम दोनों को चाहने वाले लोग एकजुट होते हैं, एक जाजम पे आकर अगर लड़ाई लड़ते हैं तो ये तय मान लो कि ओम बिरला को हम 12 बजे दिन के 12 बजे चुनाव हरा देंगे। लेकिन प्रहलाद जी गुंजल साहब का मेरे ऊपर एक पुराना एहसान है। मेरी पत्नी जिला परिषद का चुनाव लड़ी थी और मेरी पत्नी जब जिला परिषद का चुनाव लड़ी 2010 में, तब प्रहलाद जी गुंजल साहब का एक एक्सीडेंट हो गया था, उनको कोई जानवर ने टक्कर मार दी थी। उनका एक्सीडेंट होने के बावजूद भी वो पैरों से वो लाचार थे, उसके बावजूद भी वो मेरा प्रचार करने आए थे और उन्होंने वहां मेरे प्रचार में लोगों से कहा था कि भाई आपको प्रहलाद गुंजल के टूटे पैरों की सौगंध, मैं अपंग होने के बावजूद इस बच्चे के लिए वोट मांगने आया हूँ, जो बच्चा जयपुर में जाके हाड़ोती का नाम रोशन कर रहा है। और उसके बाद में मेरी उस 12 जिले में जिला परिषद के जो मेरी पत्नी का चुनाव था, वो सबसे ज्यादा वोटों से मेरी पत्नी जिला परिषद का चुनाव जीती थी। ऐसे में मेरा तो मुझे मौका मिला है कि मैं प्रहलाद जी गुंजल साहब का 2010 का जो उन्होंने मेरे पे एहसान किया, उस एहसान को भी मैं हाड़ोती में जाता हूँ। तो जब मेरे निमंत्रण दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, अलवर से जब मेरे को कोई भी निमंत्रण देते तो मैं निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता, उनके बीच में आ जाता हूँ। लेकिन दिक्कत ये होती है जब जैसे मैं आगरा रोड पे उतरता हूँ, जैसे मैं दौसा की तरफ अपना मुंह करता हूँ, यहाँ के जो नेता बैठे हैं, जो कुंडली बना के बैठे हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उनको चिंताएं, उनकी चिंताएं बढ़ जाती है, उनके तरफ पर चिंताओं की लकीरें बढ़ जाती है। और यही कारण है कि हो सकता है कि इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा भविष्य हाड़ोती में है, करौली, धौलपुर, अलवर से जब मेरे को कोई भी निमंत्रण देते तो मैं निमंत्रण को ठुकरा नहीं सकता, उनके बीच में आ जाता हूँ। लेकिन दिक्कत ये होती है जब जैसे मैं आगरा रोड पे उतरता हूँ, जैसे मैं दौसा की तरफ अपना मुंह करता हूँ, यहाँ के जो नेता बैठे हैं, जो कुंडली बना के बैठे हैं, परिवारवाद की राजनीति करते हैं, उनको चिंताएं, उनकी चिंताएं बढ़ जाती है, उनके तरफ पर चिंताओं की लकीरें बढ़ जाती है। और यही कारण है कि हो सकता है कि इसलिए मैं सोचता हूँ कि मेरा भविष्य हाड़ोती में है, इसलिए अब इस कल नामांकन लेके हाड़ोती की राजनीति करूंगा, हाड़ोती में रहूंगा। ये तो हार मानना हो गया ना कि आप धैर्य अपना बनाए रखे तो हो सकता है कि आपको दौसा में ही मौका मिल जाए। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि परिवारवाद नहीं मिटेगा? तो ये तो फिर कांग्रेस पार्टी की कमी है बहुत बड़ी। मैडम अभी बहुत जिंदगी पड़ी है, एक बार हाड़ोती से बन के आते हैं फिर देखते हैं, अभी बहुत लंबी लाइफ है। लोग जो अभी नेतागिरी कर रहे हैं उनको भी जनता देख रही है, वो किस तरह की राजनीति कर रहे हैं, कैसे वो राजनीति करते हैं और कर रहे हैं। ईश्वर मौका देगा तो फिर आएंगे, लेकिन अभी तो अभी समय हाड़ोती को देने का है। अभी हाड़ोती में जाऊंगा, हाड़ोती में संभालूंगा। और ये बात मैं आपसे कह देना चाहता हूँ कि लोकसभा चुनाव निकलने दो, लोकसभा चुनाव को खत्म होने दो। नरेश मीणा जिस तरह से किरोड़ी लाल जी ने बीजेपी के कांग्रेस सरकार में विपक्ष की भूमिका निभाई, नरेश मीणा इस बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की भूमिका राजस्थान में निभाता हुआ नजर आएगा, सड़कों पर आंदोलन करता हुआ नजर आएगा। क्योंकि मैं पूर्वी राजस्थान में जब मैं दौसा आया था, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ ये है, अभी इन्होंने ERCP लागू की है, भारतीय जनता पार्टी ने जो ERCP का प्रोजेक्ट घोषित किया है, ना तो उसका MOU इन्होंने दिखाया, ना ये बताया कौन सा बांध है, कहाँ पानी आएगा, कहाँ नहीं आएगा, कितना बजट है, कितना क्या है। लेकिन मेरा ये मन था कि ऐसा कोई नेता तो पैदा हो जो अगर कल भारतीय जनता पार्टी अगर मुखर जाती अपने मुद्दे से तो सड़कों पर कौन उतरेगा, सड़कों में आंदोलन कौन करेगा क्या। और पूर्वी राजस्थान की सबसे बड़ी डिमांड है, यहाँ के हर खेत को, हर घर को
पानी पहुंचे, क्योंकि पानी के बिना यहाँ कुछ नहीं है। पूर्वी राजस्थान में ना तो कोई रिफाइनरी है, ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई उद्योग धंधा है, ना कोई यूनिवर्सिटी है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि दौसा जैसे सवाई माधोपुर जैसे एरिया में जहाँ रणथंभौर नेशनल पार्क है, जहाँ पर्यटन आते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर इनकम के कोई सोर्स नहीं है। और केवल नौकरियों पे और जो जयपुर में आके लोग मजदूरियां जाके करते हैं जयपुर में दौसा के ज्यादातर लोग, ऐसे में मेरा तो मन था कि अगर मुझे मौका मिल जाता तो लोगों की सेवा करता, लोगों की जनता की सेवा करता और सड़क पर उतर के उनके लिए उनके साथ लड़ाई लड़ता।